रहे हैं। 1350 करोड़ रुपए एवं ग्रामीण सेतुओं हेतु 1500 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। शहरों एवं कस्बों में ट्रैफिक जाम की समस्या के समाधान के लिए शहरों में फ्लाईओवर आदि के निर्माण हेतु 1000 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग हमारी सरकार द्वारा 31 सिंचाई परियोजना पूर्ण की गई, जिससे 22,75,000 हेक्टेयर से अधिक सिंचन क्षमता सृजित हुई, जिसका लाभ 46,69,000 कृषकों को प्राप्त हुआ। विभिन्न जनपदों में 6600 राजकीय नलकूपों के आधुनिकीकरण तथा डार्क जोन में स्थित 569 असफल राजकीय नलकूपों के पुनर्निर्माण का कार्य प्रगति पर है। इन कार्यों से लगभग 1.33 लाख हेक्टेयर सिंचन क्षमता की पुनर्स्थापना होगी तथा लगभग 1.10 लाख कृषक परिवार लाभान्वित होंगे। नहरों एवं सरकारी नलकूपों से किसानों को मुफ्त पानी की सुविधा हेतु 1100 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। नदी में सुधार एवं कटाव निरोधक परियोजनाओं नाबार्ड पोषित के लिए 1530 करोड़ 60 लाख रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। डार्क जोन के असफल 569 नलकूपों के लिए 70 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति जल जीवन मिशन हेतु 22,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है, जिसमें 2,000 करोड़ रुपए की धनराशि अनुरक्षण हेतु है। मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना हेतु 1020 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। वर्षा जल संचयन एवं भू जल संवर्धन योजना हेतु 80 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है, जो वर्तमान वर्ष की तुलना में लगभग 51% अधिक है। ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग एवं चेक डैम निर्माण हेतु 65 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है, जो वर्तमान वर्ष की तुलना में लगभग 23% अधिक है। नागरिक उड्डयन प्रदेश में हवाई कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इस उद्देश्य की पूर्ति है भारत सरकार की रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम RCS-1 तथा राज्य सरकार की उत्तर प्रदेश नागर विमानन प्रोत्साहन नीति के माध्यम से की जा रही है। गत वित्तीय वर्ष की तुलना में चालू वित्तीय वर्ष में वायुयान द्वारा यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या में 19.2% की वृद्धि हुई है। हवाई कनेक्टिविटी के लिए चयनित एयरपोर्ट्स तथा अलीगढ़, आजमगढ़, मुरादाबाद, श्रावस्ती तथा चित्रकूट को विकसित किया जा चुका है। म्योरपुर, सोनभद्र व सरसावा, सहारनपुर एयरपोर्ट्स का विकास कार्य प्रशस्त है। अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या धाम का विकास कराया गया है। अयोध्या में एयरपोर्ट की स्थापना एवं विस्तार हेतु 150 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। हवाई पट्टियों के निर्माण, विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण तथा भूमि अर्जन हेतु भूमि क्रय मद में 1100 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। जनपद गौतम बुद्ध नगर के जेवर में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की स्थापना कार्य एवं भूमि क्रय हेतु 1150 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। ऊर्जा वर्ष 2023-24 में अप्रैल से दिसंबर तक जनपद मुख्यालय पर 24 घंटे, तहसील मुख्यालय पर 21.34 घंटे तथा ग्रामीण क्षेत्र में 18.09 घंटे विद्युत आपूर्ति की गई। वर्ष 2017-18 से 121,324 बजरे विद्युतीकृत किए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य के तहत गरीब परिवारों को निशुल्क और अन्य ग्रामीण परिवारों को 50 रुपए की 10 मासिक किस्तों में बिजली कनेक्शन देने की सुविधा दी गई। इस योजना में 62.18 लाख इच्छुक घरों को विद्युत संयोजन निर्गत किए गए हैं। पारेषण तंत्र की कुल क्षमता तो वित्तीय वर्ष 2016-17 में 16,348 मेगावाट थी, तो वर्ष 2022-23 में बढ़ाकर 28,900 मेगावाट तक किया गया है, जिसे वित्तीय वर्ष 2023-24 तक बढ़ाकर 31,500 मेगावाट तक किया जाना लक्षित है। भारत सरकार की ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर परियोजना के अंतर्गत प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में सौर ऊर्जा उत्पादन हेतु 4000 मेगावाट क्षमता के सोलर पार्क का विकास किया जाना प्रायोजित है। वर्ष 2016-17 में उत्पादन निगम लिमिटेड की इकाइयों का कुल विद्युत उत्पादन 33,556 मिलियन यूनिट था, जिसके सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2022-23 में 39,746 मिलियन यूनिट विद्युत उत्पादन प्राप्त किया गया है। ग्रीष्मकाल में अनवरत विद्युत आपूर्ति हेतु 2,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है, जो वर्तमान वर्ष की तुलना में 33% अधिक है। निजी नलकूप उपभोक्ताओं को रियायती दरों पर विद्युत आपूर्ति हेतु 1,800 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है, जो वर्तमान वर्ष की तुलना में 20% अधिक है। अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022 के अंतर्गत आगामी 5 वर्षों में
22,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश में वर्ष 2017 में 288 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजनाएं थी, जो अब लगभग 2600 मेगावाट है। प्रदेश में अब तक 328 मेगावाट की सोलर रूफटॉप परियोजनाएं प्रस्थापित की जा चुकी हैं। अयोध्या एवं वाराणसी शहर को मॉडल सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक मार्ग प्रकाश की सुविधा हेतु अब तक लगभग 3.35 लाख सोलर स्ट्रीट लाइट संयंत्रों की स्थापना कराई जा चुकी है। पीएम कुसुम घटक CA के अंतर्गत निजी ऑन ग्रिड पंपों के सोलराइजेशन हेतु 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है, जो वर्तमान वर्ष की तुलना में दोगुना है। उत्तर प्रदेश राज्य जैव ऊर्जा नीति 2022 के क्रियान्वयन हेतु 60 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है, जो वर्तमान वर्ष की तुलना में 33% अधिक है। आवास एवं शहरी नियोजन मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण नए शहर प्रोत्साहन के अंतर्गत टाउनशिप विकसित किए जाने हेतु वर्ष 2024-2025 के बजट में 3000 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम परियोजना में उत्तर प्रदेश के अंश के रूप में 914 करोड़ रुपए